क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कभार, आप कुछ काम कर रहे हो खास और आपका कीबोर्ड जब वो वर्क करना बंद कर दे, तो ऐसे में जब आप क्या करें, कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं हम लोग और कीबोर्ड जब वो फटाफट बंद कर देता है काम करना, तो ऐसे में जब वो आपके लिए खास ज़बरदस्ती ट्रिक है जिसको अपना करके आप जब वो इस प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं, मतलब कीबोर्ड तो ठीक नहीं होगा लेकिन आप तो उस काम को एक बार के लिए जो वो कंप्लीट कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, घुसिए हमारे कंप्यूटर में, और रिक्वेस्ट आपसे चैनल को लाइक करके वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, घुसिए हमारे कंप्यूटर में और सीख लीजिए उसका हल कैसे निकालें। अभी देखिए आपको करना क्या है, मान लीजिए कीबोर्ड वर्क करना बंद कर गया और आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, कीबोर्ड प्रॉब्लम को ठीक करने का सबसे आसान सा और सबसे इजी तरीका है, आप यहाँ पर स्टार्ट में जाइए और लिखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और दैट्स इट, आपकी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। आपको करना क्या है, मान लीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप इसको थोड़ा नीचे ले लीजिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए टाइप कर रहे हैं आप तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं क्या करें, तो इस तरह से आप जब वो टाइप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप नहीं जानते होंगे कैसे कर सकते हैं, अगर दोबारा बता दूँ तो मैं आपको देखिए जाना है यहाँ पर स्टार्ट में और आपको लिखना है यहाँ पर कीबोर्ड लिख दीजिए आप सीधा, और यहाँ पर देखिएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखा हुआ हो उसी को ओपन कीजिएगा और ये दीजिए आपका कीबोर्ड जब आ चुका है, यहाँ से सारे काम कर सकते हैं भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यही एक तरीका है आसानी से काम करने का अगर आपके कीबोर्ड वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी गजब की वीडियोस हम लोग आपके लिए फिर से लेकर के आते रहे। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करेंगे।